चापमरणी युद्धात्मिका शशिधरा दुर्गा भजे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अतुलित बलभामं हेमशैलाभदेहं गंजवन विशालं ज्ञानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा श्री गुरुदेव स्वामी माता दय आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के युगल चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित सभी भक्तवृंद सादर शरण। जैसा कि पहले ही बताया किया जा चुका है कि बड़े भाग्य मान सुतन पावा सूरज लघु सद ग्रंथ अनुवा बहुत ही पुण्य ये रहे होंगे पूर्वजन्म में जिससे हम सबको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। इस मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए देवी देवता जितने भी प्रकार के योनि हैं सभी आस लगा करके बैठे रहते हैं कि आज नहीं तो कल एक बार हमको भी मनुष्य योनि में जाने का मौका मिले। आस लगाने का मतलब ये है कि मनुष्य योनि में आने के बाद हम अपने हिसाब से भगवान की कृपा पा सकते हैं, हम अपने हिसाब से भगवत पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसलिए देवता भी मनुष्य योनि में आने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। श्री गुरुदेव स्वामी जी की बहुत ही कृपा है हम सब पर, जो बहुत ही सरल सहज मार्ग बता करके गए हैं जिसमें हम सब चल रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए सब अपने अपने कर्मों को अपने अपने कार्यों को निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। हम सब यहाँ श्री दुर्गा माता के प्रांगण में उपस्थित हैं। वासंतकीय नवरात्र चल रहा है जिसमें यज्ञ भी प्रारंभ है जो पंचमी से प्रारंभ होकर कल तक चलेगा। आज इस यज्ञ का अंतिम रात है। आप सभी भक्तजन आज भगवान का कीर्तन भजन करते हुए रात्रि जागरण करेंगे और कल प्रातः काल से ही
पूजन हवन इत्यादि करने के बाद प्रणाम की किया जाएगा 10:15 पर, जिसका दर्शन करने मात्र से आप सभी का जो भी पाप हो वह सब मिट जाएगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। आज हमें यही ने बहुत भारी आनंद दी। अपने दाल में तो कोई ना है, विज्ञान को लेकर के पढ़ाई ही, लेकिन ये है कि हमें दाल पढ़ी, लेकिन थोड़ा सा बहुत है ना बीमारी, और राज्य में भी धर्म में भी इसके बहुत दुख बताना राज्य चीजों के बारे में तो तो मैं थोड़ा सा महाराज को